नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे समाज में माइग्रेन अधिकांश लोगों ने सुना होगा, इवन छोटे छोटे बच्चे भी माइग्रेन के दर्द का शिकार हो जाते हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर संजय सिंह। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर संजय सिंह से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि माइग्रेन जनरली हम लोग देखते हैं कि सर में दर्द, जनरली हम लोग यही समझते हैं कि माइग्रेन का दर्द होता है सर में, एक सर दर्द होता है, एक डिफरेंट टाइप का जिसको कि माइग्रेन बोलते हैं। कुछ एलोबरेट करके हमारे दर्शकों को बताएं माइग्रेन की बीमारी क्या होती है। जैसे आपने बताया कि माइग्रेन एक प्रकार का सर दर्द है जी, जो पर्टिकुलर ज्यादातर एक ही पार्ट में पाया जाता है, हाफ साइडेड होता है, सर के आधे भाग में सर दर्द हो रहा है, और कभी लेफ्ट, किसी को लेफ्ट हो सकता है, किसी को राइट हो सकता है, या किसी को अल्टरनेट भी हो सकता है, कभी लेफ्ट हो रहा है कभी राइट हो रहा है। एक साथ दोनों तरफ नहीं होगा? दोनों तरफ नहीं होगा। इन रेयर केसेस ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ ही फील होता है। अच्छा। उसके साथ नौजिया और वोमिटिंग रहता है कि उल्टी हो रही है, और कहते उल्टी लग रही है, चक्कर आ रहा है, तो ये कई तरह के और सिम्टम रहते हैं उसके साथ में, तो ये माइग्रेन कहलाता है। और इसका कारण जो है आजकल स्ट्रेस, जो हम लोग इतना बढ़ा हुआ है, सबसे बड़ा स्ट्रेस माइग्रेन का कारण है, वो स्ट्रेस है, जो हम लोग दिन भर स्ट्रेस लेते हैं उसके कारण ही माइग्रेन डेवलप होता है। नॉर्मली ये एक हेडेक ही है, इट इज अ टाइप ऑफ हेडेक। ओके। बट क्या कहते हैं, क्या है कि एक आधे पार्ट में ज़्यादातर होता है। ओके। या लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, बोथ साइड बहुत ही रेयर है, या अल्टरनेट साइड हो सकता है, इधर एक बार लेफ्ट हो रहा है तो राइट हो रहा है। और बच्चों में भी अगर हो रहा है तो वो भी बिकॉज ऑफ दिस टेंशन। हाँ, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आजकल तो 12-12 10-10 साल के बच्चों में पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रेस है, या फैमिली वाले उसे बहुत पढ़ने को लेके स्ट्रेस दे रहे हैं, या स्कूल में स्ट्रेस मिल रहा है, उसके कारण को माइग्रेन डेवलप हो रहा है। अच्छा, तो इसका डॉक्टर साहब पहले तो आप इलाज बताएं कि होम्योपैथी में क्या इसका पूर्ण रूप से इलाज है। एलोपैथी में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन होम्योपैथी होम्योपैथी में ज़्यादातर सभी बीमारियों का कंप्लीट इलाज होता है। ओके। अगर सिम्टम मैच करेंगे, सिम्टोमेटी मिलेगी, तो फिर जो है 100% क्योर होगा। और लगभग कितना समय लगता है? ये तो डिपेंड करता है कितने दिनों से आपको माइग्रेन है। अच्छा। किसी को हो सकता है, कहते हैं अभी शुरुआत हुई हो, जल्दी ठीक हो जाए, कोई 10-10 साल से है, उनको 1-2 साल भी लग जाता है ठीक होने में। अच्छा, सपोज वो पेशेंट को 10 साल से है, और पिछले 10 साल से वो एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या कोई और पैथी से वो ट्रीटमेंट कर रहा है, और उसका सही से खत्म नहीं हुआ है जी। और आपके पास में आएगा तो यू विल कंसीडर इट एज अ 10 इयर्स ओल्ड डिजीज। यस। और आपके यहाँ पूर्ण रूप से क्योर हो जाएगा। हाँ जी, हम पॉजिटिव फैक्टर ढूंढते हैं कि किस कारण से इसको माइग्रेन शुरू हुआ। पॉजिटिव फैक्टर शायद हमारे दर्शक ना समझ पा रहे हो, तो इसको थोड़ा एलोबरेट करिए। पॉजिटिव फैक्टर ढूंढते मतलब कि क्या है, उसने टेंशन लिया, क्या स्ट्रेस लिया। किसी को हो सकता है स्कूल में क्या कहते हैं, टीचर ने डांट दिया हो, उसने बेइज्जती महसूस कर ली हो, उसके कारण हो गया हो। किसी को टीचर ने डांटा और उसको लगा कि हमको गलत डांट दिया, उसको बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख में डूबा हुआ है, उसके कारण उसको हुआ। तो ये हम लोग ढूंढते हैं कि कांटा कहाँ लगा था और किस कारण से इसको जो है बीमारी आई, उसने क्या मेंटल टेंशन लिया जिसके कारण डिजीज शुरू हुई। ओरिजिन ऑफ डिजीज, फ्रॉम व्हिच प्लेटफॉर्म दिस डिजीज हैज कम। यस। ओके। इसके ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयों के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। कहते हैं बहुत सारी दवाइयां हैं जिनमें से लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सेंगुनेरिया है, स्पाइजीलिया है। लिख लीजिए आप लोग। लेफ्ट साइड अगर जो पेन हो रहा हो तो जनरली लोग स्पाइजीलिया देते हैं, राइट साइड सेंगुनेरिया देते हैं। सल्फर भी मेडिसिन है, पल्सेटिल्ला भी मेडिसिन है। क्या सिम्टम आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या मेडिसिन देनी है। बेलाडोना भी मेडिसिन दी जाती है, इग्निशिया भी मेडिसिन है, तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में दी जाती हैं, लेकिन ये आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेने के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या दवाएं देनी है। तो जो आपने डॉक्टर साहब दर्शकों को ये दवाइयों के नाम बताए, शायद आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने लिख भी लिए होंगे ये नाम, तो अगर उनको माइग्रेन है तो क्या वो ये दवाइयाँ ले सकते हैं ऐसे मेडिकल स्टोर से खरीदें? मेडिकल स्टोर से, जब तक टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं मैच करेगा, जब तक सिम्टम दवाई के साथ नहीं मैच करेगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमेशा जो है कुशल चिकित्सक को दिखाएं और उसकी देखरेख में ही दवा खाएं। ओके। बट इन्हीं दवाइयों में से जो वो सेलेक्ट करके देगा वही आप उसी को ट्रीटमेंट करें। एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब है, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि दिस इज अ टाइप ऑफ हेडेक, ये पेशेंट कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये नॉर्मल हेडेक है या माइग्रेन का सरदर्द है? देखिए, सरदर्द होगा तो पूरे सर में दर्द होगा। अच्छा, हाँ, आपने या जो है फ्रंटल है तो पूरा फ्रंटल हो रहा है, टेम्पोरल हो रहा तो पूरा टेम्पोरल हो रहा है, ठीक है, या पूरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन माइग्रेन का सर हाफ साइडेड रहेगा। अच्छा, तो बस इसको, यही एक पहचान है। इसको जो है हिंदी में अधकपारी भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम अधकपारी है कि आधे सर में दर्द होता है, इसलिए अधकपारी कहलाता है। बहुत इंटेंस पेन होता है कि आदमी को एकदम उल्टी हो जाती है, नौजिया फील होता है,
और एकदम आदमी एकदम बेहाल हो जाता है। अच्छा, इतनी तेज दर्द होता है। तेज दर्द होता है। अच्छा, ये तो हो गया डॉक्टर साहब सिंपल हेडेक और माइग्रेन को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका, ट्रीटमेंट भी आपने बता दिया। क्या कुछ ऐसा भी है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल इंसान है, उनको भविष्य में कभी माइग्रेन ना हो तो वो कुछ ऐसा क्या करें? स्ट्रेस न लें, सुबह जाएं, प्राणायाम करें, योगा करें, टहलें, खुश रहें, बस यही है। ओके, और मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल तो सबसे बड़ा कॉज है कहते बहुत सी बीमारियों का, उसमें से एक माइग्रेन भी है। अच्छा। क्योंकि क्या है कि आप पूरा समय माइग्रेन उसमें लगे हुए, उसमें फ़ोन में लगे हुए, कुछ ना कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपके दिमाग को स्ट्रेस दे रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि मोबाइल बच्चों से जितना हो सके उतना दूर रखिए, और माइग्रेन की बीमारी से आप लोग बच सकते हैं। ये एक मेजर फैक्टर है माइग्रेन की बीमारी होने के लिए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ।